What is up guys, welcome to another video of Tech Trainer. तो सबसे पहले जो भी चैनल के ऊपर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल के ऊपर सेट कर दीजिए ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज हम एक मैक्रो लेंस का रिव्यू करने वाले हैं, एडिशनल मैक्रो लेंस फॉर स्मार्टफोन फोटोग्राफी। आप जानते हैं बहुत लोग आजकल फोटोग्राफी करते हैं और जिनको जिनके फोन के अंदर ऑलरेडी मैक्रो लेंस नहीं लगा होता है तो एडिशनल खरीदते हैं फॉर मैक्रो फोटोग्राफी। तो आज हम उनमें से एक बहुत ही अच्छी मैक्रो लेंस का रिव्यू करने वाले हैं, फुल किट प्लस फुल सिक्योरिटी प्लस उसके अंदर बिल्कुल नॉइज देखने को नहीं मिलता, और नॉइज भी मिलता है तो वो बहुत कम जगह जहाँ पर वो फोकस नहीं कर पाता है, और क्लियरिटी बहुत अच्छी है। और मैं आपको दावा दे सकता हूँ इससे बेस्ट इस 1000 प्राइस के अंदर मैक्रो लेंस नहीं हो सकती। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल के ऊपर सेट कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जो भी कमेंट करना हो वो लिख दीजिएगा, और हमारा वीडियो जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं उसके कुछ फीचर्स के बारे में। तो 25mm की मैक्रो लेंस है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी है, उसके गार्ड आते हैं प्लस फुल किट आता है। अगर आप कहीं भी जाते हैं तो आप किट साथ में ले सकते हैं, कोई भी आपको परेशानी देखने को नहीं मिलेगी उस मैक्रो लेंस के अंदर। और अगर अब वो गंदी हो जाती है तो आप उसको एक क्लीन क्लोथ से साफ कर सकते हैं ताकि आपकी मैक्रो लेंस हमेशा चलती रहे। और वो मैक्रो लेंस बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छे मैक्रो फोटोज आते हैं, मैं आपको कुछ मैक्रो फोटोज खींच के भी दिखाऊंगा उससे, और एडिटेड होंगे थोड़े से और अनएडिटेड भी, रॉ के अंदर भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी टेक टेबल की तरफ। जब हम आ चुके हैं हमारी टेबल की तरफ तो ये है अपना स्काईविक का 25mm का मैक्रो लेंस। तो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, देखते हैं ये कैसा मैक्रो लेंस है। और इन्होंने बहुत ही अच्छी इधर जो एक पहले शुरुआत के अंदर बॉक्स आता है वो मेरे पास नहीं है, बट ये जो केस किट है वो मेरे पास पूरा पूरा पड़ा था तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास ये पाउच आ जाता है, अगर आपको ये फुल किट नहीं कैरी करना है तो आप ये पाउच भी कैरी कर सकते हैं। इसके अंदर मैक्रो लेंस डाली और एक अपना ये जो साफ करने वाला क्लोथ है मैक्रो लेंस को जो क्लोथ साफ करता है स्काईविक, इधर जो लोगो बना हुआ है स्काईविक का तो वो ये क्लोथ मैक्रो लेंस को साफ करता है, तो इसको भी कैरी कर सकते हैं अगर आपको ये पूरा किट कैरी नहीं करना है। तो ये बहुत ही अच्छा है और ये बहुत ही सॉफ्ट और सही है, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा ये। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं इधर स्काईविक का लोगो बना हुआ है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे मेन सब्जेक्ट की तरफ, हमारा मेन सब्जेक्ट है मैक्रो लेंस। तो हमारा लेंस आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो ये है लेंस जैसे कि इधर लिखा हुआ है फॉर मोबाइल फोन्स एंड नोटबुक पीसी, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा है और ये आईफोन के अंदर भी यूज़ हो सकता है, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं कहता हूँ आप इसे जल्दी से बाय करिएगा। तो अब हम इसका ढक्कन खोल देते हैं, इसका कैप हम आगे से निकाल देते हैं। तो निकाला जब कैप तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस है, और इधर हमको मिल जाता है एक अपना ओपी सा मैक्रो लेंस। तो आप देख सकते हैं इधर मैं फ़ोन और मैं खुद दिख रहा हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा मैक्रो लेंस लगा मेरे को, और बहुत ही क्लीन है, बहुत ही प्रीमियम, जैसे कि अगर हाथ लगाए ना तो प्रीमियम टाइप लगता है। और इधर हमारे 25mm, जैसे कि मैंने आपको कहा था 25mm का मैक्रो लेंस है। और इधर आती है दो क्लिप्स जो आपके मैक्रो लेंस को फ़ोन को होल्ड करने के लिए काम आती है। तो सबसे पहले ये बहुत ही प्रेशरफुल है, तो ये कभी भी गिरेगी नहीं बिना कोई गलती के, आपके कभी भी गिरेगी नहीं, लूज होके गिरने नहीं वाली है। तो अब अगर आप सोचे होंगे कि ये टाइट है तो हमारे फ़ोन को कुछ नुकसान हो सकता है क्या, तो सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखा दूँ इसमें, इसके अंदर एक अपना डला हुआ स्पॉन्ज, जैसे कि एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर है हमारा एक स्पॉन्ज जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि नहीं, एक सेकंड गाइस इसको फोकस करने देते हैं। इधर एक स्पॉन्ज है तो वो इसको आराम से होल्ड करता है, और दोनों साइड में स्पॉन्ज है प्लस क्लिप बहुत अच्छी है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ अच्छी चीज़ें इसके बारे में। तो हम कैप इधर रखते हैं, इन दोनों को साइड में रख देते हैं। तो अब खोल देते हैं हमारा फ़ोन, तो फ़ोन खोलते हैं, अब खोलते हैं हमारा कैमरा। और इसके अंदर गाइस मैक्रो काम नहीं करता है इस फ़ोन के अंदर, बस एडिशनल मैक्रो लेंस ही काम कर सकता है। तो जैसे कि आईफोन के अंदर ऑलरेडी मैक्रो कैमराज लगे नहीं आते, अब आते हैं पंक्चुअली, बहुत कम आते हैं जो, ठीक है। तो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, एक सेकंड गाइस मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, ये जो है अपने ये लग गया गाइस। तो अब हम वीडियो को फुल आप देखिए गाइस, ये दूर से तो आपको पता है मैक्रो लेंस का काम सिर्फ पास में हो जाए। तो ये है अपना बहुत ही अच्छा मैक्रो। तो अब मैं आपको कुछ फोटोज क्लिक करके दिखाने वाला हूँ इस मैक्रो लेंस से, तो मैं बहुत ही ज़्यादा पास लेके आऊँगा और ये फुल फोकस के अंदर फोटो खींचने वाला है। तो मैं थोड़ा सा एक सेकंड फोकस कर लेता हूँ इसके ऊपर,
और क्लिक कर देते हम फोटो, और एक बिना मैक्रो लेंस के फोटो क्लिक करके देखते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। तो अब हमने इसको कर दिया है साइड, देख लीजिए बिल्कुल फोकस नहीं करने वाला, मैं आपको कह देता हूँ बिल्कुल फोकस नहीं करने वाला ये। तो हमने फोटो खींच लिया है, अब मैं आपको इसके दो स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। तो गाइज आप बताइएगा ये मैक्रो लेंस का मतलब है कि नहीं, और ये आईफोन के अंदर बहुत ही अच्छे से यूज हो सकती है, और आईफोन के अंदर मैं आपको गारंटी देता हूँ आईफोन में भी लग जाएगी, हर एक स्मार्टफोन में, हर एक डिवाइस में लगने वाली है जो मोबाइल फोन है। और है ना कुछ इसका 25 mm, ये बहुत अच्छी बात लगी मुझको। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट बाय करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक लिखी हुई है और कमेंट सेक्शन के अंदर लिंक मैंने पिन कर रखा है, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो टेक केयर और बाय बाय। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल के ऊपर सेट कर दीजिएगा ताकि हमारा जो भी न्यू वीडियो आए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा। और मैंने फिर से याद दिला रहा हूँ, लिंक मैंने मैक्रो लेंस का 25 mm मैक्रो लेंस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिखी हुई है और कमेंट सेक्शन के अंदर फर्स्ट लिंक पिंड है वो। तो चलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।